बात हुई रिसोर्सेज की, अब बात करते हैं हम अपने कंपनी लॉ को कैसे प्लान करें, उसकी स्टडी को कैसे प्लान करें। दोस्तों ये पूरे तरीके से एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट अगर आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो जब कल हो के आप ग्रेजुएट हो जाएंगे या फिर इवन आज भी कहीं ट्रेनिंग करेंगे या फिर ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप कंपनी में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता रहेगा पहले से ही कि कंपनी होती क्या है, कंपनी है क्या, कंपनी बनाते कैसे हैं, कंपनी के क्या क्या नियम है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपनी की क्या एसेट्स होते हैं, क्या कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी को कैसे किसने बोल दिया कि भाई कंपनी ऐसे ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों कंपनी लॉ नाम से ही पता चल रहा है कि ये लॉ है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है इनकम टैक्स के लेक्चर्स में, मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ कि कोई भी लॉ तब बनता है जब वो पहले क्या बनता है, एक्ट। और एक्ट कब बनता है, जब कोई भी जो एक बिल होता है, एक तरीके से एक कह सकते हैं आप एक डिस्कशन पेपर है या फिर एक ड्राफ्ट, एक रूल है या ड्राफ्ट एक नियम है, उस ड्राफ्ट नियम को जब लोकसभा और राज्यसभा और जब राष्ट्रपति से साइन हो जाता है, मतलब लोकसभा में वो पास होना ज़रूरी है, फिर राज्यसभा में उसका पास होना ज़रूरी है, उसके बाद प्रेजिडेंट से उस पर उनकी सहमति होनी चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, तब जाके वो एक एक्ट बनता है। मतलब कोई भी बिल, जैसे कि अगर फार्मर बिल या कोई किसान के लिए जो भी कोई एक्ट अभी जिसके लिए आंदोलन चल रहे हैं, तो वो पहले क्या होगा, वो एक्ट नहीं है, वो पहले बिल था, फिर बिल को एक्ट बनाया गया, जब जैसे ही एक्ट बना देते हैं तो वो लॉ बन जाता है। तो लॉ तभी बनता है जब वो एक्ट बनता है। इसका मतलब अगर हम कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो कंपनी लॉ, इसका मतलब कंपनी लॉ को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो कंपनी एक्ट है, हमें वो कंपनी एक्ट पढ़ना है। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में बात करें तो कंपनी लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं किसके थ्रू, कंपनी एक्ट के थ्रू। मतलब ये कि अगर हम कंपनी एक्ट पढ़ लेते हैं तो कंपनी लॉ समझ जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ ऑब्जेक्टिव है कंपनी एक्ट को पढ़ना, और वही आपके सिलेबस में भी है। तो सवाल ये उठता है कि सर कितने कंपनीज एक्ट होंगे, तो क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, और भी कोई तीसरी कंपनी भी हो सकती है। तो दोस्तों एक्ट हमें एक ही पढ़ना है, वो है कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहले हमारे पास जो पुराना एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956 था, वो काफ़ी सालों तक चलता रहा, कोई फिर उसमें अमेंडमेंट होती रही, चेंजेस होती रही, लेकिन एक्ट वही चलता रहा, बेस एक्ट उसका वही था। लेकिन अब हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है, उसको पढ़ेंगे। क्या 2013 एक्ट में सब कुछ नया आ गया है, तो नहीं, नया कुछ ज़्यादा नया नहीं आया है। कंपनीज एक्ट 1956 को बेस बनाते हुए कंपनीज एक्ट 2013 का फॉर्मेशन किया गया है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ेंगे, और एक एक टॉपिक पेज टू पेज जितने भी आपके किताब में जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं वो एक एक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि जब आप खुद एक बार उसको रीड आउट करेंगे तो पता रहेगा यार ये तो बहुत आसान है, इसका तो कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। क्या होता है दोस्तों, जब हम लॉ को प्लेन रीडिंग करते हैं तो उस टाइम ऐसा लगता है कि ये तो चलो एक इंग्लिश का एक पेपर है, या फिर कोई अगर हिंदी में पढ़ रहा है तो उनको लगता है चलो जी एक बस एक जनरल सा एक पेपर है, उसको बस ऐसे रीड आउट कर लेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देख रहे हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि आपके कौन कौन से सिलेबस हैं और कितने लेसन्स हैं जो हम यूनिट